30 सालों के लंबे इंतजार के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में आखिरकार पूजा शुरू तो हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने के विरोध में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अपील की। अपील पर ज्ञानवापी में रिकॉर्ड तोड़ नमाजी नमाज पढ़ने पहुंचे। हालत ये थे कि ज्ञानवापी मस्जिद में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। आखिरकार पुलिस को नमाजियों को वापस लौटाना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में जुमे की नमाज के लिए करीब 2000 से ज्यादा नमाजी पहुंचे थे। विश्वास रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं। इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। बता दें कि कोर्ट ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए परिसर में मौजूद तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी। कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर वाराणसी जिला प्रशासन एक्शन में आया। प्रशासन ने 31 जनवरी देर रात बैरिकेटिंग हटवाई और रात करीब 2 बजे व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करवाई गई। पूजा शुरू होने के बाद लोगों में उत्साह देखा गया। पूजा की अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के संगठन ने अब विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर लगे साइन बोर्ड से ज्ञानवापी मस्जिद शब्द हटाकर ज्ञानवापी मंदिर मार्ग का पोस्टर भी लगा दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद में 31 साल पहले जो काली चादर थी उसे भी हटा दिया गया है। अब दर्शनार्थी सबसे पहले तहखाना का दर्शन करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं।